नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। CSIR की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपकी इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ये देख सकते हो examjobalert.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे .com करके, तो आपको ये वेबसाइट पोर्टल देखने को मिल जाएगा। इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए एक्टिव कर दिए गए हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करवाना चाहे तो ये व्हाट्सएप नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसर्न कर सकते हो। और यहाँ पर जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, CLRI की तरफ से आपके लिए पोस्टें लेके आए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल में हो सकता है आप जब देखो तो डाउन में चला जाए, पर बट अब फर्स्ट ऑफ ऑल में ये पोस्ट है जी, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सारी की सारी एडवर्टाइज की डिटेल मिल जाएगी। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI, वेरियस पोस्टें, अलग अलग पोस्टें हैं जी। एडवर्टाइज नंबर 1, 2 और 3, तीन एडवर्टाइज हैं इसमें। ITI बेस पर भी हैं, डिग्री बेस पर भी है और डिप्लोमा बेस पर भी वैकेंसी है, 68 वैकेंसी है। और स्किल की बात करें तो ट्रेड के रिलेटेड आपको नॉलेज होनी जरूरी है। और इसमें पे स्केल की बात कर लेते हैं जी, जो कि कैंडिडेट बार बार पूछते हैं। हमने ये पोर्टल ही लॉन्च इसलिए किया ताकि आपको बार बार हमसे पूछने की जरूरत ना पड़े। इसमें सैलरी पर आपको जॉब ओवरव्यू में देखने को मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 1,12,300 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, और ये परमानेंट है जी, इसलिए फुल टाइम लिखा हुआ है, ठीक है जी। 21 मई से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। 20 जून तक आप अप्लाई कर पाओगे। कब तक जी? 20 जून तक अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी। और इसमें फीस मैक्सिमम आपकी 100 रुपये रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल रहने वाली है। और एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल OBC की 100 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन, CSIR एम्प्लॉई और ऑल फीमेल कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट की ही 100 रुपये फीस है सिर्फ, ठीक है जी। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्योंकि मेन मेन हाईलाइट जैसे मैंने आपसे आज तक वादा किया, आपके वादे के हिसाब से आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस भी किया है, ठीक है जी। उसी हिसाब से आपके वादे के अनुसार आपको ये हाईलाइट दे रहे हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि JHT की एक पोस्ट है जी। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में या आपकी इंग्लिश में मांगी हुई है। 30 साल एज मैक्सिमम मांगी है। टेक्नीशियन ग्राउंड ग्रेड सेकंड की 55 पोस्टें हैं। ITI रिलेटेड फील्ड में मांगी है, वो आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देख लेंगे। 28 साल मैक्सिमम एज मांगी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की 12 पोस्टें हैं। BSc मांगी है और डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड में मांगा है, वो भी आप नोटिफिकेशन में नोट करेंगे, चेक करेंगे। और इसमें मैक्सिमम एज 28 साल। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 30 साल, कब तक? 20 जून तक, क्योंकि लास्ट डेट तक ही आपकी जो कि होती है एज लिमिट काउंट होती है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल रहने वाला है। जैसे ही आप डाउन करोगे, डाउन में अप्लाई लिंक आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन लिंक और ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक। हाँ, कोई कैंडिडेट फिलअप करवाना चाहे तो व्हाट्सएप पर कंसर्न कर सकता है, तो आपको आपके पास हमारे पास मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ इसका जो नेम हेडलाइन है CSIR यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च की एडवर्टाइज का फुली नेम इसका आपने कॉपी पेस्ट करना है। भी इसका हमने फॉर्म फिलअप करवाना है, तो आपको फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा, हेल्प प्रॉपर की जाएगी। यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑफिशियली वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। यही सेम वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिली है, यही वेबसाइट आपको यहाँ पर, ये मेन ऑफिशियली वेबसाइट है CSIR की। और नोटिफिकेशन की बात करें, क्लिक नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है, ये नोटिफिकेशन है जी। पहले मेन मेन चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा डीपली आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि तीन पोस्टें अलग अलग हैं, सबकी कंडीशन भी अलग अलग हैं, क्राइटेरिया भी अलग अलग है, अप्लाई लिंक भी अलग अलग है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT की पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें किसी ने अप्लाई करना है, पहले कभी अप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डालकर आप लॉग इन कर सकते हो, और नई फ्रेशर हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप अपने यहाँ पर क्लिक करना है।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको डाउनलोड डाउन भी कर सकते हो। डाउन करके आप स्क्रॉल करके यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी फीस किसकी रहने वाली है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइज की बात करते हैं, अब एडवर्टाइज जान लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। वही सेम डेट है, इसमें आपको पे स्केल 61,818 तक मिलेगा टोटल का पे स्केल, ठीक है जी। और टोटल में ये बढ़कर आपका 1,12,300 तक हो सकता है। 30 साल से मैक्सिमम एज आपकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है जी, मास्टर डिग्री मांगी हुई है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हिंदी इंग्लिश में पीजी मांगी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, और इसमें आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रांसलेटर का मांगा है। अगर आपके पास पीजी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में मेन मेन हाईलाइट करेंगे, बाकी आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये बताएं तो और कैंडिडेट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको ये लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन ओपन होते ही ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये लिंक अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद एज लिमिट, आपको कंडीशंस यहाँ पर सारी की सारी देखने को मिलेगी, क्या कुछ कंडीशन है इसमें। जो मेन बात है, इसमें आपको सिलेबस तक मिल जाएगा मेंशन, क्योंकि इतना लंबा मैं वेब पोर्टल पर भी सिलेबस देता तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं भी सर कैसे है क्या है, आप सभी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आप अलग इस नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन लिंक से आप सारा ओपन कर सकते हो अपने चॉइस मुताबिक। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग। जनरल इंग्लिश के अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आपके 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा, इसमें क्या कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश का सेपरेटली टेस्ट होगा, क्योंकि JHT का पेपर है यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है। और इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा वो चेन्नई में ही होगा जी, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सेकंड पेपर कंप्लीट होने के बाद लगेगी, ठीक है जी। कहाँ पर आपका फाइनल एग्जाम होगा, ये चेन्नई का, तमिलनाडु का, आपको एड्रेस प्रॉपर वे में बता दिया, बट पहले आपका फर्स्ट क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने न्यू करना है, फ्रेशर ही अप्लाई कर रहे हो, अगर पहले से किया हुआ है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालिएगा, ठीक है जी। ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की, ये कौन सी पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की 55 पोस्टों वाली पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइज पर आपने क्लिक किया, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल गई। 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी, 33,000 में अप्रोक्सीमेट आपकी स्टार्टिंग पे स्केल रहने वाली है, बढ़कर 63,000 तक हो जाएगी। इसमें कहाँ कहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में एक की बात करेंगे, ये जलंधर में आपका CLRI का रीजनल सेंटर जलंधर का है, लेदर गुड्स मेकर का। एक SC की पोस्ट है, 33 साल मैक्सिमम एज मांगी है, 10वीं मांगी है, और आपका ये एक्सपीरियंस जो जो आपकी रहने वाली है, कह लें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, 10वीं बेस पर भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये जलंधर, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, आपकी फिनिश्ड लेदर मेकिंग की पोस्ट हैं, 6 पोस्टें, अलग अलग पोस्टें हैं, इसमें भी 10वीं मांगी हुई है। ये आपकी जलंधर, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद और चेन्नई, ये सारी 10वीं बेस पर, और ITI आपकी लेबोरेटरी में मांग रखी है इसमें, क्योंकि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की ये पोस्ट है। इसी तरह बात करें कोलकाता और चेन्नई की, फुट मेकर की पोस्टें हैं जी, इसमें आपकी 3 पोस्टें अलग अलग देख सकते हो, और इसमें 10वीं के साथ आपका ITI का फुट मेकर का डिग्री, ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है जी। और ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा। और उसके बाद शू एंड प्रोडक्ट डिजाइन सेंटर चेन्नई की पोस्ट है, इसमें सीइंग विंग की पोस्ट है, एक जनरल की पोस्ट है, इसमें ITI आपकी स्विंग जो सिलाई वाली ITI की ट्रेड होती है उसमें आपकी ITI होनी चाहिए नेशनल NCVT से, ठीक है जी। ये चीज़ें जरूर नोटिस कीजिएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है वो देख सकते हो। कानपुर चेन्नई लैब की मैकेनिकल की प्लांट की पोस्ट है, इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा हुआ है, आपका केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका ITI मांगी हुई है।
सेवन पोस्ट में इंजीनियरिंग सर्विसेज की पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है, दो पोस्टें हैं इसमें भी आपका आईटीआई मांगी हुई है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। और उसके बाद आठवीं पोस्ट है जी लेदर प्रोसेस टेक्निकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वर्क्स की, फिटर की, इसमें फिटर आपकी आईटीआई मांगी है। इसमें है जी इंजीनियरिंग की मशीनिस्ट की, मशीनिस्ट की आईटीआई मांगी हुई है। इसमें है जी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कोपा में आपकी आईटीआई मांगी हुई है। और इसमें डाटाबेस सिस्टम की है, तो आपका डाटाबेस सिस्टम में आपकी आईटीआई मांगी हुई है। इसके बाद इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल की पोस्टें हैं, इसमें आपकी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में मांगी हुई है, या फिर आपका इसमें शायद डिप्लोमा भी, हाँ डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। अगर 10वीं है तो 3 साल का आपका एज इलेक्ट्रिशियन का मिनिस्ट्री में वर्क होना चाहिए। 11 किलोवाट का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। सिविल इंजीनियर की पोस्ट है जी प्लम्बर की, प्लम्बर में आपकी आईटीआई मांगी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल चेन्नई के पोस्ट है। और इसमें ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, इसमें आईटीआई ड्राफ्टमैन में मांगी है। और मैसन की पोस्ट है, इसमें 10वीं और आईटीआई में आईटीआई मैसन में मांगी हुई है। और कारपेंटरी की पोस्ट है जी कारपेंटर मांगी हुई है आईटीआई। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई मांगी हुई है। और इसी तरह डिजिटल फोटोग्राफी की पोस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफी की आपकी आईटीआई एनसीवीटी की मांगी हुई है। बाकी सारी आप कंडीशंस एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात नेक्स्ट कर लेते हैं, जो लास्ट पोस्ट रहेगी, लास्ट पोस्ट कौन सी रहेगी है जी, इसमें देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। इसमें जब जैसे ही आप थर्ड एडवर्टाइज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर न्यू कीजिए, अगर एडवर्टाइज देखनी है तो आपने इस एडवर्टाइज पर क्लिक कर देना है, ये एडवर्टाइज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपका 61,818 पे स्केल स्टार्टअप का रहने वाला है जी, और बढ़कर 1,12,400 तक होने वाला है। इसी तरह आपका चेन्नई की पोस्ट है, इसमें बीएससी मांगी है, 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा है, और ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद आपके इस चेन्नई में कंप्यूटिंग की पोस्ट है, इसमें बीएससी मांगी है, 1 साल का कंप्यूटिंग का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस देख सकते हो। और इसी तरह यानी कि ये सारी की सारी अपनी कैटेगरी वाइज सारी की डिटेल्स आप चेक जरूर कर लीजिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है जी। क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या मांगा है, और आपकी जॉब रिक्रूटमेंट क्या रहने वाली है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। कोई भी आप पोस्ट खोलोगे तो यहाँ पर मैंने अप्लाई भी करें तो अप्लाई का लिंक भी आपको सेम ही मिल जाएगा, ये दोनों में कोई डिफर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए मैं अब थर्ड का ही मैंने खोल रखा है, या फर्स्ट का खोल लेते हैं आप। फर्स्ट का ऑप्शन खोला तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट खोली है, तो वो ही पोस्ट अप्लाई होगी जी, ठीक है। अगर इसी तरह मैं मान लीजिए सेकंड पोस्ट खोलता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो यहाँ पर सेकंड पोस्ट की जो जो पोस्ट हैं वो ही खुलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका मिस्टर या मिसेज क्या हो, आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी, मेल आईडी कंफर्म, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म। और पासवर्ड भी आप पहला अल्फाबेट बड़ा रखिए, फिर बाकी स्मॉल रख के एक स्पेशल करेक्टर रख के ये चीज़ लगानी है, इस तरह मेरे के लगानी है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है, मैंने डायरेक्टली आपको बता दी है। रेडी इसमें आपको यही चीज़ें बताई है, रजिस्ट्रेशन करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अगर फीस आपकी और जनरल और ओबीसी से फिलअप करोगे तो आपकी फ़ीस आपको पे करनी होगी। फाइनली अप्लाई करने से पहले, फाइनली सबमिट करने के बाद आप अपना प्रिंटआउट जरूर निकाल लीजिएगा। मेल आईडी वही दे दीजिएगा जो आप हमेशा यूज करो, चलाते रहो, ठीक है, उसी पर नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी अपडेट पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, और इस वेब पोर्टल पर हमारा सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए। और अगर अप्लाई ही करना चाहते हो तो 20 जून से पहले पहले आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।